हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपना चैनल यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हैं और खूब सारा पैसा इससे कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कई लोगों को इसके ऊपर चैनल क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है और इसी की वजह से वो आज तक अपना चैनल क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और कई लोगों ने क्रिएट भी कर लिया होगा बट उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका चैनल भी है यूट्यूब पे और कैसे उसको मैनेज करना है या फिर कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना चैनल यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना सो दैट आपको हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कैसे करते हैं। तो बेसिकली आप लोग मोबाइल से कर सकते हैं और लैपटॉप से, दोनों से कर सकते हैं, बट लेकिन सिस्टम जो होता है उस पर काम थोड़ा आसान हो जाता है मोबाइल के अंदर, वही चीज़ें थोड़ा लेट ओपन होती है और स्लो काम करती है। तो आपको जाना है अपने YouTube के अंदर, और YouTube के अंदर अगर आप मोबाइल के अंदर जा रहे हैं तो आपको मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम के अंदर YouTube पे सर्च करना पड़ेगा। YouTube पे जाने के बाद आप उसको डेस्कटॉप व्यू कर लीजिएगा। साइड में ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है, उससे आप अपने जो क्रोम है उसको डेस्कटॉप व्यू में कर लेंगे। उसके बाद वो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। जब आपको इस टाइप का दिखेगा तो आपको यहाँ पे अपने आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक YouTube स्टूडियो का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका चैनल का नाम पूछेगा, तो आप अपने चैनल का नाम दे दीजिए जो भी आपको रखना है। तो यहाँ से आप अपने चैनल का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाल दिया क्रिएट चैनल, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्रिएट चैनल जैसे ये हो जाएगा उसके बाद एक नया टैब ओपन होएगा आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर। तो यहाँ देखिए नया टैब ओपन हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे। अब जब आपको इस टाइप के टैब को ओपन करना है तो वैसे ही ओपन कर सकते हैं जैसे आप लोग अभी आपने क्लिक किया था यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे दोबारा से जाएंगे तो आपको यही डैशबोर्ड बार बार मिलने वाला है। तो इसके ऊपर जाएंगे, अब आपको चैनल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप है और ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का, व्यूज़ वगैरह एंड सब्सक्राइबर्स वगैरह, वोट्स वगैरह, जो भी चीज़ें इनेबल होगी वो सारी चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे दिख जाती है। यहाँ से आपको मिलेगा कंटेंट का, जो भी सारी वीडियोस होंगी वो यहाँ पे दिखेंगी। प्लेलिस्ट आपने बनाया होगा तो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखेगी। प्लेलिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्लेलिस्ट के अंदर होता है कि आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और आपका चैनल सिर्फ एक फील्ड से है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कई सारी फील्ड्स आती है, SEO, YouTube, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसी तरीके से कई सारी फील्ड आती है। तो आप लोग हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो एक ही चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इस टाइप की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सोशल मीडिया के लिए अलग बनी है, SEO के लिए अलग बनी है, तो वो आपके प्लेलिस्ट को देख लेंगे। प्लेलिस्ट के बाद आपको मिलेगा एनालिटिक्स का ऑप्शन, यहाँ पे मिलेगा आपको आपके चैनल का सारा ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस, कहाँ से कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, व्यूज़ कितना आ रहा है चैनल के ऊपर, रीच कितनी है, कितने लोगों तक जा रहा है, एंगेजमेंट, लोग क्या कर रहे हैं आपके चैनल के साथ, जैसे कि सब्सक्राइबर वगैरह, व्यूज़ वगैरह, टॉप वीडियोज़ कौन सी है एंड टॉप प्लेलिस्ट कौन सा है, कौन सी एंड स्क्रीन पर लोगों ने सबसे ज़्यादा क्लिक किया है, प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, प्लेलिस्ट से आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑडियंस के अंदर मिल जाएगा उनकी एज वगैरह क्या है, क्या टारगेट है, ये सारी चीज़ें, कौन से कंट्री से है, लद्दाख, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंग्लिश, नो सबटाइटल वाली वीडियोस लोग ज़्यादा देख रहे हैं, वॉच टाइम कितना आ रहा है, नॉट सब्सक्राइब लोगों ने आपने इतने टाइम पे वॉच किया है, मेल फीमेल, एज क्या है आपके चैनल्स की। एडवांस मोड के अंदर जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। कमेंट्स के अंदर आप अपने चैनल के सारे कमेंट्स को देख सकते हैं। सबटाइटल्स के अंदर आपने किसी वीडियो के अंदर सबटाइटल डाला हुआ तो वो आप चेक कर सकते हैं। कॉपीराइट कोई इशू होगा आपके चैनल के अंदर तो वो यहाँ पे शो होगा। मोनेटाइजेशन, कितने व्यूज़, कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि लेआउट्स कैसे बनाना है, अगर आपके चैनल पे कोई आता है तो उसको किस तरीके का लेआउट दिखेगा। एग्जांपल कि अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ अपने ही चैनल पे, तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे आया और यहाँ पे मेरे को जाना है होम पे। होम पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे को ये सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी, पहले यहाँ पे ट्रेलर आ गया, फिर वीडियोस आ गई, कौन सी वीडियो पहले दिखानी है, प्लेलिस्ट या मैंने जो अपलोड्स करी है या जो प्लेलिस्ट बनाए हैं, पॉपुलर अपलोड्स कौन से हैं, शॉर्ट्स, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ तक आपको लास्ट मिलेगा, आप अपने चैनल के अंदर कोई सी भी ऑडियो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी और की ऑडियो को यूज़ नहीं कर सकते अपनी वीडियोस के अंदर और ना ही कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो गलत है, या फिर कुछ चीज़ें जो फ्री की पेड होती है आप उसको फ्री में बताते हैं अपने चैनल के अंदर कि कैसे आप लोग उसको फ्री में ले सकते हैं। तो जिस कंपनी की बारे में आप बता रहे हैं वो आपके चैनल पे स्ट्राइक दे देगा, जिससे कि 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद लोगों को आपकी वीडियोज़ नहीं दिखेंगी और आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा।
तो यहाँ तक आपको मिलेगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको मिलती है क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू। यहाँ पे विड आई क्यू का एक क्रोम एक्सटेंशन होता है जो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इसके बारे में अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो जो भी वीडियोस में आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, थंबनेल्स कैसे बनाना है या टाइटल या कैसे जनरेट करना है, क्वेश्चन व्यूज़ कैसे इंक्रीज करना है, वॉच आवर्स कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी वीडियोस का लिंक आपको आई बटन के अंदर मिलेगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिलेगी आपको। फिर यहाँ से आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आप आ सकते हैं, अपने चैनल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जनरल चैनल के अंदर आपको मिलते हैं कुछ जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के बारे में, फीचर एलिजिबिलिटी। यहाँ से आपको कुछ इनेबल करना पड़ता है, वो आपके चैनल पे ओटीपी आएगा तब उसके बाद ही इसको इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि थंबनेल्स वगैरह, ऑटोमेटिक थंबनेल्स, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो, लॉन्ग टर्म कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीम। ये सब आप जब नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आ जाएगा, जब आप वेरीफाई करा लेंगे तब आता है। तो वो कैसे करते हैं उसका भी एक वीडियो है, मैं आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें, आपको सारी चीज़ें के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से चैनल क्रिएट करते हैं। कई लोग तो चैनल क्रिएट भी कर लेते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि कैसे उसको देखना है, कैसे उसको विजिट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर ऑटोमेटिक कंटेंट आप डाल सकते हैं कि जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक कंटेंट जो ऑलरेडी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद चैनल का टाइटल और थोड़ा सा कंटेंट अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो से रिलेटेड आप डाल सकते हैं। प्लेलिस्ट, अनलिस्ट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। टॉप कैट टैग्स वगैरह, परमिशंस, कम्युनिटी एंड एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अगर मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने लग गया तो बहुत लंबी वीडियोस बनेगी। तो ये छोटी सी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है कि जो मेन चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए चैनल से रिलेटेड। तो आपको पता चल गया होगा कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। बेसिकली कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है आपको इसको मैनेज करने के लिए। एक गूगल प्ले स्टोर में ऐप आता है यूट्यूब का, यूट्यूब स्टूडियो ऐप, उससे आप अपने चैनल का ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है आपके चैनल पे। बट वहाँ से कई सारी चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं होता। तो सबसे आसान तरीका है मोबाइल से आप अपने चैनल को देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे आपका चैनल थोड़ा फास्ट हो जाता है, आप काम ज़्यादा फास्ट करते हैं, मोबाइल के अंदर काम थोड़ा स्लो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की छोटी सी वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। आप मेरे को ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने लैंग्वेज के अंदर, हिंदी या इंग्लिश के अंदर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिलने वाला है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एंड यूट्यूब वीडियो रिलेटेड कंटेंट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, सो दैट आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।